जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, अभी अभी मस्जिद में बम धमाका देख दिल दहल जाएगा। दोस्तों वीडियो में देखने के बाद आपका कलेजा दहल उठेगा। बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक मस्जिद के समीप शुक्रवार को किए गए एक आत्मघाती विस्फोटक में कम से कम 52 लोगों ने दुनिया को अलविदा कह दिया है और करीब 50 लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन्नबी मनाने के लिए मस्जिद के बाहर एक रैली के वास्ते भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, तभी यहाँ विस्फोट हुआ। मीडिया की खबरों से बड़ी जानकारी सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें, जियो समाचार की खबर के मुताबिक मुस्तांग जिले में मदीना मस्जिद के समीप ये विस्फोट हुआ। इस आत्मघाती विस्फोट में मारे गए लोगों में रैली के दौरान ड्यूटी पर तैनात मुस्तांग के पुलिस अधीक्षक DSP नवाज गस्कोरी भी शामिल हैं। खबर के मुताबिक मस्जिद के समीप विस्फोट उस वक्त हुआ जब लोग ईद मिलादुन्नबी के मौके पर इकट्ठा हुए थे। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर ईद मिलादुन्नबी पर्व मनाया जाता है। शहर पुलिस थाना के प्रभारी मोहम्मद जावेद लहरी ने बताया है कि ये एक आत्मघाती विस्फोट था और हमलावर ने पुलिस अधिकारी की गाड़ी के बगल में खड़े होकर के खुद को बम से उड़ा लिया। लहरी ने बताया है कि घायलों को चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया जा रहा है जबकि अस्पतालों में आपात स्थिति लागू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, डॉन अखबार ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी DHO अब्दुल रज्जाक शाही को ये कहते हुए उद्गत किया है कि हमले में कम से कम 52 लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और करीब 50 लोग घायल हो चुके हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। अब तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। दोस्तों आपको बता दें, बलूचिस्तान के अंतरिम सूचना मंत्री जान रचाइकर ने कहा है कि बचाव दलों को मुस्तांग के जिले रवाना कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि गंभीर रूप से घायल लोगों को क्वेटा स्थानांतरित किया जा रहा है और सभी अस्पतालों में आपात स्थिति लागू कर दी गई है। आगे उन्होंने कहा है कि शत्रु विदेशी ताकतों की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में शांति धार्मिक सौहार्द को नष्ट करना चाहता है, ये विस्फोट असहनीय है। दोस्तों आपको बता दें, कार्यवाहक मुख्यमंत्री अली मर्दान डोमिक ने प्रधिकारियों को विस्फोट के लिए जिम्मेदारी लोगों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि विध्वंस के दोषी किसी रहम के हकदार नहीं हैं। जिन्होंने भी शांतिपूर्ण जुलूस को निशाना बनाया उनसे कड़ाई से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा है कि इस्लाम शांति का धर्म है और जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया उन्हें इस्लाम नहीं कहा जा सकता, यानी कि उन्हें मुस्लिम नहीं कहा जा सकता।